करनाल में श्री संत शिरोमणि शहीद उधम सिंह की जयंती के उपलक्ष में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कंबोज धर्मशाला करनाल की ओर से यह कार्यक्रम करनाल के सेक्टर 32 शहीद उधम सिंह चौक पर किया गया। इस मौके पर करनाल सांसद संजय भाटिया की पत्नी अंजू भाटिया ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और मेयर रेणुबाला गुप्ता विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रही। कार्यक्रम में शहीदों को याद करते हुए उनकी कुर्बानियों से प्रेरणा लेने का आह्वान किया गया। इस अवसर पर अंजू भाटिया ने संबोधित करते हुए कहा कि देश की रक्षा के लिए जो जवान अपनी जान जोखिम में डालते हैं उनके माता पिता धन्य हैं, जो अपने सपूतों को देश की रक्षा के लिए फौज में भर्ती करवाते हैं। उन्होंने नागरिकों से आह्वान किया कि युवाओं में देशभक्ति की भावना पैदा करें और उन्हें सेना में देश सेवा के लिए प्रेरित करें। इस मौके पर मेयर रेणुबाला गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश हित में जो कदम उठाए जा रहे हैं वह बहुत ही सराहनीय है, इससे देश प्रगति के पथ पर ही बढ़ रहा है। उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की प्रशंसा करते हुए कहा कि शहीदों के सम्मान के लिए सरकार अच्छा कार्य कर रही है। इसके बाद करनाल में बनाए गए शहीद उधम सिंह चौक पर पहुंचकर उनकी प्रतिमा को पुष्प अर्पित किया। इस मौके पर उधम सिंह कांबोज के नाम से संग्रहालय बनाए जाने की मांग भी सांसद पत्नी के सामने उठाई गई एवं अन्य मांगों को भी पूरा किए जाने की मांग की गई, जिसको उन्होंने सभी मांगों पर गौर करने का आश्वासन भी दिया। इस मौके पर कंबोज धर्मशाला प्रबंधन समिति के सभी पदाधिकारी एवं शहर के गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय भाई नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से गौरव और सम्मान की दिशा में आगे बढ़ रहा है, मैं उन्हें भी नमन करती हूं कि आज आपने जिस तरह के फैसले हमारे शहीदों के सम्मान में, हमारे सैनिकों के सम्मान में, हमारे देश के सम्मान में, हमारे नागरिकों के सम्मान में लिए, आज वही दिशा हमारे शहीद उधम सिंह जी की दिखाई हुई दिशा है जिसमें हम भारत को आगे बढ़ा सकते हैं। आज हर नागरिक की एक जिम्मेदारी है कि अपनी भूमिका अच्छे से देश में निर्वहन करे, ताकि हमारा भारत फिर से वही सोने की चिड़िया की तरह चमक सके। और हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हम अपने शहीदों को इस तरह से याद करके आज उनके नाम से अपने शहरों में, चाहे कहीं चौक है चाहे कोई अच्छी जगह है, उनका नाम रखकर आज आने वाली पीढ़ियों को ये संदेश देते हैं कि हमारे वीरों ने, हमारे देश के शहीदों ने जिस तरह से जान की बाजी अपने देश के लिए गंवा दी, आज हम उनकी वजह से खुली हवा में सांस ले रहे हैं। शहीद उधम सिंह जी ने देश को ऐसी दिशा दी और विशेष तौर पे ऐसे समय में हमारे देशवासियों के मनोबल को बढ़ाया जब देश में आज़ादी की एक लहर चल रही थी, और उस लहर में जिस तरह से उन्होंने अपनी भूमिका को निभाया, आज हम सब देशवासियों का फर्ज बनता है कि देश की आज़ादी को बरकरार रखने के लिए और उसमें जो भी सामाजिक बुराइयां हैं उसे जड़ से निकाल दे, ताकि हमारा देश के गौरव की रक्षा हम कर सकें। जेबीडी बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट जेबीडी बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।